नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 1 फरवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज से शुरू होने वाले परीक्षा में कुछ नियमों का पालन करना हुआ जरूरी। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की शुरुआत आज से होने वाली है। हालांकि परीक्षा के दौरान छात्रों को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत छात्रों को परीक्षा के दौरान 2 गज की दूरी पर बिठाया जाएगा। हर विद्यार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों को सिर्फ प्रवेश पत्र, पानी का बॉटल, काला और ब्लू पेन, मास्क और हैंड सैनिटाइजर ही केंद्र में ले जाने की इजाजत होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे प्रदेश में 1473 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों को समय का सख्ती से पालन करना होगा और परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले आना होगा। जो छात्र देरी से पहुंचेगा उसको परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं परीक्षार्थी परीक्षा में 13,50,507 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं, जिसमें आर्ट स्ट्रीम के 7,30,569 परीक्षार्थी, साइंस के 5,45,401 और कॉमर्स स्ट्रीम के 74,024 परीक्षार्थी हिस्सा लेने वाले हैं। आरसीडीएफ ने विभिन्न पदों पर मांगे आवेदन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने हाल ही में जनरल मैनेजमेंट, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत कई पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए कुल मिलाकर 503 रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 8वीं 10वीं ITI डिप्लोमा, 12वीं ग्रेजुएशन, PGBU, MSc की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार मदरसा से पटना हाईकोर्ट ने पूछे सवाल। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड से अब तक मदरसों को नहीं मिली मान्यता पर सवाल पूछा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वकील श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की धारा 7(2)(n) तथा 24 को हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध घोषित कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग की तरफ से जारी परिपत्र के आलोक में बोर्ड अपना कार्य संपन्न कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 1 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कुल मिलाकर 116 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 2,58,018 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार के टॉप 3 प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 36, औरंगाबाद में 40 और गया में 7 मामले सामने आए हैं। BSEB ने कक्षा 9वीं की परीक्षा को लेकर जारी किया शेड्यूल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य में बिहार बोर्ड के तहत आने वाले विद्यालयों में 9वीं की वार्षिक परीक्षा कराने का फैसला लिया है। यह परीक्षा राज्य भर में 26 फरवरी 2021 से आयोजित करवाई जाएगी। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने सभी जिलों के अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के नोटिस के अनुसार बिहार बोर्ड कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी 2021 से लेकर 3 मार्च 2021 तक करवाया जाएगा। 27 और 28 फरवरी को छोड़कर बाकी सभी तारीखों में दोनों पाली में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड 9वीं की वार्षिक परीक्षा में उन सभी छात्रों को हिस्सा लेने की अनुमति होगी जिन्होंने 2020 में बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अपना नामांकन कराया है। अपनी गाड़ी से घूमने के लिए बिहार सरकार देगी 90 दिनों का स्पेशल परमिट। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और खासकर दूसरे राज्य से आने वाले सैलानियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत देश के अलग अलग राज्यों से जो भी पर्यटक बिहार घूमने आना चाहते हैं उनके लिए परिवहन विभाग ने नया परमिट जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने बिहार घूमने वालों को स्पेशल टूरिस्ट परमिट के तहत यह सुविधा दी है और अब जो भी व्यक्ति बिहार अपनी गाड़ी से घूमने के लिए आना चाहते हैं उसे 90 दिनों तक के लिए स्पेशल टूरिस्ट परमिट दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने की मांग की थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने यह फैसला सुनाया है। बिहार प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम आएंगे इसी महीने। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का रिजल्ट जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। BSSC के ताजा रिपोर्ट के अनुसार इंटर एक लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का परिणाम 25 फरवरी 2021 तक जारी किए जाने की संभावना जताई गई है। आयोग की माने तो परीक्षा फल जारी किए जाने के बाद मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा और अन्य जांच परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। परीक्षा घोषित होने के बाद बाकी रह गए सभी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा।
कोहरे के कारण कई ट्रेन हुई प्रभावित। बिहार में ठंड के कारण आम जनजीवन के साथ साथ वाहनों के परिचालन पर भी बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि ट्रेन के परिचालन में भारी समस्या देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत पूर्व मध्य रेल में चलने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों के फेरे के दिनों में कोहरे को ध्यान में रखते हुए कमी की गई है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संपूर्ण क्रांति ट्रेन फरवरी महीने में हर गुरुवार को स्थगित रहेगी। फरवरी में प्रत्येक गुरुवार को यह ट्रेन पटना से और हावड़ा से नहीं खुलेगी। वहीं राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन फरवरी महीने में प्रत्येक बुधवार को रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही राजगीर में नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को और नई दिल्ली से राजगीर जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को फरवरी में रद्द रहेगी। इतना ही नहीं, दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाई जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पूरे फरवरी में पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रानीगंज वृक्ष वाटिका को स्थानीय लोग हसनपुर बालू धीमा के नाम से भी जानते हैं। यह बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित भूमि है जो 289 एकड़ में विस्तृत है और प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विस्तृत है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये रमणीय और रोमांचक जगह है। शोधार्थियों के लिए भी अध्ययन स्थल के रूप में निर्मित है। ये अररिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में और पटना से 310 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एवं फारबिसगंज फोर लेन NH57 में दक्षिण कुर्सेला जाने वाले SH77 के पूर्व किनारे 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतदाता सूची में संशोधन के लिए अब बचे हैं मात्र एक दिन। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर तैयारियां जारी है। इसी बीच मतदाता सूची को लेकर भी अब सिर्फ एक दिन बचे हैं, जिसके तहत अगर मतदाता सूची में संशोधन दावा आपत्ति इत्यादि को लेकर कोई भी काम है तो उसके लिए आपके पास सिर्फ आज का समय है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी तक ही किया जाना है। इसको लेकर सोमवार को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दिए जा सकते हैं। आयोग के अनुसार 1 फरवरी के बाद मतदाता सूची को लेकर कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, मुखिया सरपंच और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में 1,000 रुपए जमा करने होंगे। इसके साथ ही पंच और बोर्ड सदस्यों को मात्र 250 रुपए नामांकन शुल्क देना होगा। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य के लिए 2,000 रुपए नामांकन शुल्क के रूप में तय किया गया है। लालू प्रसाद यादव की सेहत में हुआ सुधार। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लालू परिवार और राजद समर्थकों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। लालू यादव पर चिकित्सीय सुविधा का काफी असर देखने को मिल रहा है। यूरिया क्रिएटिनिन काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे में अब ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एम्स में लालू यादव का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यादव की अगुवाई में विभिन्न विभागों के डॉक्टर कर रहे हैं। सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक लालू निमोनिया से भी प्रभावित थे, लेकिन फिलहाल उनकी हालत पहले से काफी बेहतर बताई जा रही है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया सरपंच की बल्ले बल्ले। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया सरपंच के लिए अच्छी खबर राज्य सरकार ने पेश की है, जिसके तहत बिहार की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त 1254.50 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि आयोग की अनुशंसा से वित्तीय वर्ष 2020 की दूसरी किश्त की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस राशि में से 878 करोड़ ग्राम पंचायत खाते में और इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए समितियों को और 125 करोड़ की राशि जिला परिषद को आवंटित कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस राशि का उपयोग निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है। अब MCD चुनाव में भी किस्मत आजमाएगी जदयू। विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड MCD चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली है, जिसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पार्टी अब MCD चुनाव लड़ने वाली है। इसको लेकर ही बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद ही पार्टी के पूर्व मंत्री संजय झा ने बताया कि दिल्ली में जदयू का आधार बढ़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें लगभग 1,00,000 वोट जदयू को मिले थे। हालांकि पिछले MCD चुनाव में पार्टी को जीत तो नहीं मिली, मगर पार्टी फिर भी अच्छे खासे वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। वहीं कोरोना के माहौल में भी जदयू की तरफ से सराहनीय काम करने की बात कही गई है। उत्तर बिहार के 3 सदर अस्पतालों में शुरू होगा DNB कोर्स। उत्तर बिहार के 3 जिलों में जल्द ही DNB कोर्स की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेचुरल बोर्ड कोर्स की शुरुआत होने वाली है। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर MBBS डिग्री धारी चिकित्सकों को MD के समतुल्य मान्यता दी जाएगी। कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना होगा। उक्त अस्पतालों में पहले चरण में 6 विषयों का कोर्स कराया जाएगा। इसमें रेडियो डायग्नोसिस, शिशु रोग, एनेस्थीसिया और कई अन्य कोर्स शामिल हैं। मनोज जी और प्रसूति एवं स्त्री
ऑप्थेमोलॉजी और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ भी किए जाएंगे। कोर्स के पाठ्यक्रम संचालन को लेकर टीम अस्पतालों का मुआयना भी कर चुकी है। 2 फरवरी तक बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। बिहार में ठंड का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के लोगों को फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों तक यानी कि 2 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लोगों से सचेत रहने की भी अपील की गई है। ठंड का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग कोहरे और शीतलहर दोनों का सामना एक साथ करते देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान की माने तो 4 फरवरी से मौसम में सुधार के आसार जताए गए हैं। विभाग की माने तो बिहार में अगले 2 दिनों में हवाओं की रफ्तार में आंशिक कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बीते दिन सुबह में कोहरे की स्थिति बनती देखी गई। हालांकि धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बिहार में जाति आवासीय आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब नहीं लगाना होगा सीओ ऑफिस का चक्कर। बिहार में जाति आवासीय और आय सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीओ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार के नए नियम के मुताबिक प्रमाण पत्र को जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दे दिया गया है। नियमों के मुताबिक राजस्व अधिकारी इन सर्टिफिकेट को जारी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नीतीश सरकार में आय आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब इन सर्टिफिकेट को जारी करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को दिया गया है। बिहार में इस फैसले से लोगों को सर्कल ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नीतीश सरकार ने आवासीय आय और जाति सर्टिफिकेट ऑनलाइन की सुविधा शुरू की है। इन प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए लोगों को ऑफिस के काउंटर पर जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की सिवान की प्रियंका की तारीफ। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का संबोधन किया था, जिसमें बिहार के सिवान की प्रियंका पांडे की तारीफ की गई। इसके साथ ही उन्होंने मुंगेर के तारापुर में अंग्रेजों के हाथों शहीद होने वाले देशभक्तों को नमन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के बाद से प्रेरित प्रियंका ने अपने घर में करीब 1 किलोमीटर दूर हुए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गाँव के प्रत्येक घर की यात्रा की थी। प्रियंका ने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नमो ऐप पर दी थी। इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रियंका पांडे ने उन्हें देश की विभूतियों को जानने की दिशा में उठाए गए अपने पहले कदम की जानकारी दी है। इसके साथ ही मुंगेर के जयराम विप्लव ने भी अपने जिले के तारापुर में जान गंवाने वाले शहीद हुए देशभक्तों की जानकारी दी थी। नीतीश सरकार पर पुष्पम प्रिया के तंज पर जदयू ने दिया जवाब। बिहार में हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की सरकार का एक बार फिर से काफी चर्चा देखने को मिली थी। इसमें उन्होंने संविदा पर आधारित नौकरियों के मामले में सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विपक्षी दलों ने ऐसे एनडीए सरकार का रोजगार विरोधी रवैया बताया था और निशाना भी साधा था। इन सबके बीच बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट के रूप में चर्चित रही पुष्पम प्रिया चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट की भी खूब चर्चा हुई थी, जिस पर अब जदयू ने जवाब दिया है। जिसके तहत अजय आलोक ने पुष्पम प्रिया चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में वो विदेश से चुनाव लड़ने आई थी, इसलिए उनका सारा पैसा भी खर्च हो गया। तो व्यक्तिगत तौर पर यही सलाह है कि बिहार सरकार की नौकरियों के लिए किसी वैकेंसी के लिए वो खुद को उपयुक्त पाए तो अपने नाम से एक आवेदन कर दे। उन्हें नौकरी मिली तो घाटे की थोड़ी बहुत तो भरपाई हो ही जाएगी। मनोज झा ने नीतीश सरकार को कड़ा संदेश देने की दी सलाह। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आम बजट को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आम बजट में गरीब की थाली का साइज ना घटे, इसका ख्याल सरकार जरूर रखे। इतना ही नहीं, आम बजट ऐसा हो जिससे आम लोगों को खास के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना पड़े। अर्थव्यवस्था का कई सेक्टर पहले से ही काफी ज्यादा प्रभावित है। कोविड-19 के माहौल में वैश्विक स्तर पर चिंताजनक स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था की है। आम बजट में माइक्रो लेवल के लिए क्या पॉलिसी है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। खेतिहार असंगठित समाज सकते में है, एमएसएमई सेक्टर भी संकट में है। 5 कॉरपोरेट को छोड़ दे तो सारे कॉरपोरेट संकट में है। इस संकट से उबारने के लिए कोई नीति सरकार के पास फिलहाल नहीं है। उस नीति का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही निवेदन है कि नुकसान की भरपाई करे, ताकि संदेश जाए कि लाचार सरकार भी कुछ काम कर सकती है। पटना नगर निगम की दिखी अनोखी पहल। पटना नगर निगम की अनोखी पहल देखने को मिली है। हाल ही में नगर निगम ने कचरों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पटना के पार्कों को अब सजाने संवारने की जिम्मेदारी पटना नगर निगम ने ले ली है। पटना नगर निगम के द्वारा यह फैसला किया गया है कि जितने भी कबाड़ नगर निगम कार्यालय के बाहर रखे गए हैं, जैसे रबर टायर, ड्रम और बॉटल आदि, इनकी मदद से पार्क बनाया जाएगा। नगर निगम इसके लिए 15 लाख रुपए खर्च करने वाला है। इसको लेकर पटना में काम शुरू हो चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ता की आपस में हुई भिड़ंत। कांग्रेस के अंदर परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां कुछ समय पहले ही आयोजित बैठक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में हाथापाई की स्थिति आ गई थी, वहीं बीते दिन भी आयोजित एक बैठक में वही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। वहीं ये सब उनके सामने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्तचरण दास भी मौजूद थे। मीडिया में आई खबरों के अनुसार सर्किट हाउस में कांग्रेस की बैठक जारी थी। इस दौरान ही कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ते देखे गए, एक दूसरे पर कई तरह के आरोप भी लगाने लगे। किसी
किसी तरह से बीच बचाव पर हंगामे को शांत कराया गया। आपको बता दें कई जगह पर पहले भी हंगामा हो चुका है। उस वक्त भग चरणदास ने कांग्रेस नेताओं को सुधारने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसका असर कांग्रेस के नेताओं पर नहीं दिख रहा है। आज वित्त मंत्री का खुलेगा पिटारा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलने वाली है, जिसके बाद देश का बजट पेश किया जाएगा। कोविड-19 में छोटे और लघु उद्योग को दी राहत के बावजूद मांग में कमी रहने के कारण संकट हालांकि अभी तक टला नहीं है। लगभग 70% उद्योग भले ही पटरी पर आ गए हैं, लेकिन 9 महीने बाद भी पूरी क्षमता से काम करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। इस दौरान उद्यमियों को ऑर्डर भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण कारोबार पर असर देखने को मिल रहा है। दूसरा, बदलते समय में एमएसएमई के नियमों का सरलीकरण आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी है। आज पेश होने वाले बजट में छोटे मध्यम उद्योग को काफी सारी आशाएं हैं, अपनी भावनाओं को केंद्रीय वित्त मंत्री के पास भी पहले ही भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की टीम इंडिया की तारीफ। भारत को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर मिली जीत का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीते दिन किए गए मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया, जिसके तहत उन्होंने विराट कोहली की गैर मौजूदगी और खिलाड़ियों के चोटों से जूझने के बावजूद अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को बोनस के तौर पर 5 करोड़ दिए जाने का ऐलान भी सराहनीय है, जिसके बाद विराट कोहली और रवि शास्त्री दोनों ने प्रधानमंत्री को उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद किया है। इन स्मार्टफोन पर काम नहीं करेगा वीडियो कॉलिंग ऐप डुओ। गूगल डुओ ऐप का इस्तेमाल कर रहे यूजर के लिए अहम सूचना। गूगल का मशहूर वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल डुओ जल्द ही अनसर्टिफाइड एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पर काम करना बंद कर देगा। 9to5 गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के सभी स्मार्टफोन यूजर को इस संबंध में चेतावनी जारी की जाएगी। यूजर को बताया जाएगा कि उनके डिवाइस पर गूगल डुओ ऐप काम नहीं करेगा, इसलिए वो अपने कॉल हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। बीते दिन से 5 दिवसीय बिहार में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। इस अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। खुराक पिलाने के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ANM की तैनाती भी कर दी गई है। इसके साथ ही सभी क्षेत्र में ANM घर घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिला रही है। राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहा स्थित गार्डन रोड हॉस्पिटल में पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो पिलाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान काफी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को कर पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह अभियान 4 फरवरी तक जारी रहेगा। इस अभियान का लक्ष्य है कि पोलियो दवा की खुराक से कोई भी अछूता ना रहे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अवधेश कुमार सिंह, मनीष मेहरा, अशोक राम, आयुष कुमार, साहिल कुमार, बादल कुमार, अभिराज दास, धनेश रंजन, नीतीश कुमार, कौशल प्रसाद, असलम राज, अभिमन्यु कुमार, प्रिया सिंह, विकास कुमार, मनीष कुमार, सिंगर मनोज गुरु, भाई असीमा, फिरदौस, सुनील कुमार, गजेंद्र सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका मिलना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।